हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा एजुकेशन। और आज हम समझने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये क्या होते हैं। देखो, हमारे पास बहुत सारे अधिकार होते हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार, नागरिक अधिकार, धर्म के आधार पर अधिकार, जाति के आधार पर अधिकार और न जाने कितने अधिकार। अधिकार कोई भी हो, लेकिन हम सभी अधिकारों के लिए क्या हवाला देते हैं, संविधान का हवाला देते हैं। मतलब हम अपना कोई भी अधिकार मांगते हैं तो हम कानून बताते हैं। जैसे मैं अगर पार्क में बैठी हूँ और मुझे कोई भगाने लग जाए वहाँ से, तो मैं ऐसा कहूँगी कि मुझे स्वतंत्रता का अधिकार है, या मतलब उसको यूँ भी नहीं कहूँगी तो मैं कहूँगी कि आपकी भगा रहे हो, आपकी प्रॉपर्टी छोड़ी है, क्योंकि मुझे स्वतंत्रता का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, मैं बैठ सकती हूँ वहाँ पर, कोई ऐसे भगा नहीं सकता। तो हर चीज़ के लिए मतलब हमें कानून पता होते हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्व, ये तो कोई कानून ही नहीं होते। अगर ये कानून ही नहीं होते तो फिर ये संविधान की बुक में लिखे हुए ही क्यों हैं, मतलब हमारे संविधान में क्यों होते हैं, किस फायदे के हैं ये। पहले हम समझते हैं कि ये है क्या, मतलब नीति निर्देशक तत्व है क्या। देखो, ये संविधान का वह हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। मतलब ये हमारे संविधान का ही हिस्सा है, इसका मतलब इम्पोर्टेंट हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसको न्यायपालिका के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, कोर्ट इसे लागू नहीं कर सकता। जैसे कि बाकी सारे कानून लागू होते हैं, वैसे ही ये लागू नहीं हो सकता। अगर लागू ही नहीं हो सकता तो फिर बनाया क्यों गया, ठीक है। तो इसके ऊपर भी है, संविधान को जो बनाने वाले नेता थे ना, जिन्हें हम संविधान निर्माता कहते हैं, बहुत सारे नेता थे, पूरी टीम थी उनकी, उन्हें पता था कि भारत में जातिवाद बहुत ज़्यादा है, यहाँ धर्म के नाम पर लड़ाई, जाति के नाम पर लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, ऊंच नीच बहुत ज़्यादा है, और अभी तो इतने पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, इन चीज़ों को बहुत ना के बराबर मानते हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो सोचिए उस टाइम कितनी ज़्यादा होगी। और रही सही, अंग्रेज़ करवा के चले गए थे लड़ाई, ठीक है, जब देश अलग हुआ था तो नफ़रत भी काफ़ी हद तक आ गई थी लोगों के अंदर। तो उन्हें पता था कि हमारे देश में धर्मवाद, जातिवाद, ये सब बहुत ज़्यादा है। ऐसे में समानता लाना, सभी को एक साथ लेके चलना, ठीक है, सभी को एक साथ आगे बढ़ाना, बड़ा ही मुश्किल काम था। क्योंकि देखिए, जो ऊंची जाति वाला है वो अपने आप को ऊंचा समझ रहा है, वो नीची जाति वाले के साथ बैठना भी पसंद नहीं करता। अब उसको पेपर में एक साथ बिठा दिया जाए तो ऊंची जाति वाला भड़क जाएगा। अभी आप बोलोगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ इसलिए नहीं होता क्योंकि संविधान निर्माता ऐसे ऐसे कानून बना कर गए हैं कि हमें ये सारी चीज़ें आम लगने लगी हैं। लेकिन मैं जब की बात कर रही हूँ तब ये चीज़ें आम नहीं होती थी। कोई एक दूसरे के साइड में बैठना पसंद नहीं करता था, कोई उस रिक्शे में भी बैठना पसंद नहीं करता था जिस रिक्शे में कोई नीची जाति वाला बैठ जाता था, तो रिक्शे वाले उनको बैठाते ही नहीं थे। मतलब आप समझिए, ऊंच नीच इतनी ज़्यादा थी, तो सबको एक साथ लेके चलना बड़ा ही मुश्किल काम था, और फ्यूचर में भी मुश्किल ही होगा। मतलब जो संविधान निर्माता थे उन्होंने सोचा कि फ्यूचर में भी ये काम बड़ा मुश्किल होगा जब वो नहीं रहेंगे, तो फ्यूचर में होने वाली जो समस्याएं थी, जो परेशानियां थी, उनसे निपटने का सुझाव था नीति निर्देशक तत्व। मतलब एक तरीके से वो हमें एडवाइस देकर चले गए कि ज़रूरत पड़ने पर हम इन कानूनों को लागू कर सकते हैं, एक तरीके की आप इसको एडवाइस समझ सकते हैं। फिर संविधान निर्माताओं ने ये भी सोचा कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने की जिम्मेदारी भावी सरकार की ही होगी। यानी जैसे कि हमें कोई नया कानून बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो नीति निर्देशक तत्वों को देखो उसमें कौन कौन सा कानून बनाने के लिए, कौन सी सिचुएशन में कौन सा कानून बनाने के लिए कहा गया, उसमें बहुत अच्छे अच्छे कानून हैं, ठीक है, तो अगर उनको लागू करवाना है तो जो भावी सरकार होगी, मतलब करंट टाइम में जो सरकार चल रही होगी, जैसे अभी भाजपा सरकार है केंद्र में, तो वो लागू करवाएगी। ऐसे जो भी सरकार करंट टाइम होगी उसे कहते हैं भावी सरकार, तो उसकी जिम्मेदारी होगी उस कानून को लागू कराने की, ठीक है। संविधान में ऐसी नीतियों की पूरी एक लंबी सूची बनाई गई है, बहुत लंबी लिस्ट है निर्देशों की, उसी सूची को राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। वो जो पूरी लिस्ट है ना, जिसमें सारे कानून लिखे हुए हैं एक तरीके की एडवाइस देने के लिए, उसकी पूरी लिस्ट को हम नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। सूची में जितने भी कानून हैं वो सब तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन हर एक कानून में, ठीक है, हर एक उसको कानून नहीं कह सकते क्योंकि जब तक लागू नहीं हो जाता उसे कानून नहीं कहते। वहाँ उस नीति निर्देशक तत्वों की हर एक बात में तीन बातों का ध्यान रखा गया है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उसमें से पहली बात है
कि मतलब ऐसे उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए, ऐसे लाभ, ऐसे उद्देश्य कि एक समाज के रूप में, जैसे हमें पता है कि अगर हम ऊंच नीच करना बंद कर दें, धर्म के नाम पे लड़ना बंद कर दें, तो इससे फ़ायदा पूरे देश को होगा, ठीक है। तो ऐसे उद्देश्यों का जिक्र उसमें किया गया है, सारे वह अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए, ठीक है। वो सारे अधिकार जो मौलिक अधिकारों के अलावा जितने भी अधिकार हैं वो सब सभी नागरिकों को मिलने चाहिए। मौलिक अधिकार तो हैं ही सभी के, उनके अलावा भी जो अधिकार हैं वो भी सभी को मिलने चाहिए। और वे सारी नीतियाँ मतलब सारी प्लानिंग जिन्हें सरकार को स्वीकारना चाहिए, जो एक सरकार होने के नाते सरकार को भी स्वीकारना चाहिए, तो इन सब चीज़ों के बारे में नीति निर्देशक तत्वों में लिखा है। नीति निर्देशक तत्वों को देखने से आपको पता लगेगा कि संविधान निर्माताओं ने कैसा भारत बनाने की कल्पना की थी, उन्होंने कैसा क्या इमेजिन किया था उस टाइम पे कि हम कैसा भारत चाहते हैं। और हम आज टिकटॉक और इधर उधर देखते हैं कि हम कैसा भारत देख रहे हैं, ठीक है। तो आने वाले टाइम को उन्होंने सोच के ये सब किया। टाइम टू टाइम सरकार ने कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लागू भी किया है, जैसे कि बताऊँ बहुत सारे कानून हैं जो नीति निर्देशक तत्वों से लिए गए हैं। बहुत सारे जमींदार उन्मूलन कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, ठीक है, ये सारे कानून लागू नहीं हुए हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण, रोजगार गारंटी योजना ये वाला बना था, स्कूल बच्चों के लिए दोपहर का जो भोजन दिया जाता है मिड डे मील, ये सब वहीं से निकल कर आए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। प्लीज़ इसी टाइप के और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मेरे वीडियो पर आप कमेंट करके बता सकते हैं।